कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतर्करण से बिना सभी प्रकार के मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ देता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मशवरा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है श्री सुरेश कुमार खन्ना श्री सूर्य प्रताप शाही श्री स्वतंत्र देव सिंह श्रीमती बेबी रानी मौर्य श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी श्री जयवीर सिंह श्री धर्मपाल सिंह श्री नंद गोपाल गुप्ता दंडी श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी श्री अनिल राजभर श्री जितिन प्रसाद श्री राकेश सचान श्री अरविंद कुमार शर्मा श्री योगेंद्र उपाध्याय श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वही सूची है जिसके हिसाब से अभी वोटिंग माफ कीजिएगा सुरेश कुमार खन्ना जिन्होंने अभी शपथ ली ये 9 बार के विधायक हैं शाहजहांपुर से। अब सूर्य प्रताप शाही 4थी बार मंत्री बने हैं बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कल्याण सिंह सरकार में भी
आप मंत्री थे। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है, और अब जो आ रहे हैं वो है स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, बीजेपी का जाना माना के अलावा अब शायद प्रेसिडेंट अब कोई और बनेगा, क्योंकि अब आप मंत्री बन गए हैं। उच्चतम और महत्वपूर्ण नाम इन्होंने इस चुनाव में अपने नाम के आगे जाटव लगा दिया। देखिए, जातियों का उल्लेख बहुत मायने रखता है। आप उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल थी, बीजेपी का SC चेहरा है, आगरा से मेयर की ही वजह से, आगरा जिसको दलित कैपिटल बोला जाता है, वहां से जीत की शायद ये वजह ही रही कि बेबी रानी मौर्य जाटव अब मंत्री पद की शपथ ले रही हैं, योगी 2.0 कैबिनेट। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षर रखूंगा, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतर्कर्म से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब के ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये थे जयवीर जी। आप माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट है। ये बताया जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़, शायद इसी वजह से उनको एक प्रमुख स्थान मिला है योगी की कैबिनेट में। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध हस्ताक्षर से निर्वहन करूंगा, तथा मैं दया, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब के ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष
अथवा अतिरिक्त रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी इलाहाबाद से, पहले बसपा में थे, इनके ऊपर अटैक भी हुआ, कि मैं विधि द्वारा इसके बाद ये बहुत लंबा इलाज चला, सच्ची श्रद्धा और उनकी कुछ उंगलियां भी चली गई, और बहुत ही भयंकर ऑपरेशन था वो। मैं उत्तर प्रदेश, बहरहाल राजनीतिक रूप से बड़े सक्षम हैं, मंत्री रहे थे योगी की प्रथम कैबिनेट में भी, और दोबारा जीत के बाद दोबारा कैबिनेट मंत्री के पद के लिए शपथ ले। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों